एक दुनिया का प्रसिद्ध चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाई। उस चित्र में दिखाया कि उसने एक मनुष्य के दिमाग में एक नग्न स्त्री को अपने चित्रण में दिखा दिया। जब वह उसका चित्र बनके तैयार हुआ और वह उस चित्र को यूरोप में बेचने के लिए गया, तो यूरोप के लोगों ने उस चित्र को बड़ी से बड़ी कीमत लगाकर खरीदा और चित्रकार की तारीफें करी, उस चित्रकार को अद्भुत बताया, कहा कि ऐसी चित्र हमने आज तक जीवन में नहीं देखी, इतनी खूबसूरत, इतनी अद्भुत, इतनी नायाब चित्र बनाई। खरीदने वालों ने उसकी कीमत जितनी चित्र की थी उसको उसकी दुगना कीमत देने लगे कि चित्र इतनी खूबसूरत बनी थी कि इंसान के दिमाग में स्त्री को नग्न अवस्था में दिखाया गया। चित्रकार खुश हुआ कि यूरोप में जब इसकी कीमत इतनी लग सकती है तो भारत भी पीछे नहीं है, भारत में तो यो कई गुना बिकेगी और एक से बढ़कर एक कीमत लगाई जाएगी। वो चित्रकार भारत में आया, भारत में अपनी चित्र को बेचने लगा, तो जिस बाजार में उसने उस चित्र को बेचना, लोगों ने देखा कि चित्र तो इतनी भद्दी है, अश्लील चित्र है, कि उसने मनुष्य के दिमाग में, इंसान के दिमाग में नग्न स्त्री को दर्शाया है। तो जहां वो चित्रकार अपने चित्र को बेच रहा था वहां के गुस्साई लोगों ने उस चित्र को उठाया और तोड़ डाला और चित्रकार को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। जितनी चित्र बनाए गए थे सारे चित्रों को तोड़ दिया, उनमें आग लगा डाली, चित्रकार को पीटने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने इंसान के दिमाग में एक नग्न स्त्री को दर्शाया। तो चित्रकार ने कहा, मैं यही चित्र जब यूरोप बेचने गया तो यूरोप के लोगों ने इंसान के दिमाग में नग्न स्त्री नहीं देखी बल्कि एक कला देखी, उस कला का सम्मान करा, क्योंकि वो लोग अंदर से आर्टिस्ट है, आधुनिक है, वो शिक्षा का महत्व जानते हैं और आप लोगों के दिमाग में नग्न स्त्री है, वासना है, अश्लीलता है और तुमने वही देखा, तुम्हें इस चित्र की अद्भुत कला नहीं दिखाई दी, तुमने इसकी बारीक से बारीक कला को नहीं देखा, तुमने देखा तो देखा केवल नग्न स्त्री और तुमसे रहा नहीं गया और तुमने इस चित्र को तोड़ डाला कि यह अश्लील चित्र है। तो कहानी कहती है कि भारत के लोगों के दिमाग में अश्लीलता भरी है, नग्नता भरी है, वासना भरी है, जिसके कारण ये खुद को ना पहचान पाए ना जान पाए। इन्होंने अपने बोध को खो दिया, अपने सत्य को खो दिया और ये फिर दुनिया में कोई बड़ी घटना नहीं कर पाए, कोई बड़े आविष्कार नहीं कर पाए। यूरोप ने इसलिए बड़े आविष्कार कर डाले कि उनके दिमाग में, उनके मन में वासना नहीं है, अश्लीलता नहीं है, उनके दिमाग में बोध है, खोज है, शांति है। तो जब भारत के लोग, भारत की युवा पीढ़ी अपने दिमाग से वासना और अश्लीलता को निकाल के नीचे गिरा देगी, उस दिन शायद इसे अपना बोध हो जाए, अपने हुनर का, अपनी काबिलियत का पता चल जाए, तब जाके भारत देश भी बुद्ध और महावीर की तरह इस दुनिया में चमकने लगेगा। नमो बुद्धाय।